प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां के पैर धुले, उनका आशीर्वाद लिया। मां के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और देखिए, लोग पैर तो जरूर छूते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांव पखारना इसे कहते हैं, जिसे पांव धुलना आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने परात में पांव रखा और उसे धुला। और कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और ये उनका पैर धुलना अमृत तुल्य होता है। तो उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए 100वें जन्मदिन को मनाने की ये जो विधा है प्रधानमंत्री की अपनी है और बहुत सनातन है। माँ के पैर धुले, पैर छुए, उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया। अब उस तोहफे में कुछ भी हो सकता है, किताब हो सकती है, साड़ी हो सकती है, और माँ के पसंद की चीज़ें ये तो शायद प्रधानमंत्री ही जानते होंगे। हालांकि उन्होंने जिक्र किया है कि वो माँ के लिए साड़ी लेकर के जाते हैं, जो एक ख़ास तरीके की साड़ी वो पहनती हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से माँ के पैर धुलते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले पैर को धुला, फिर उसे पोछते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए परात में वो जो पानी है उसे सिर से लगाते हुए, आंखों पर लगाते हुए, और उसके बाद माता को एक शॉल लेकर के गए थे। देखिए वो जो गिफ्ट था हम देख रहे थे, उसमें शॉल थी। तो इस तरीके से माता का अभिनंदन किया, 100वें जन्मदिन पर मुंह भी मीठा कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मां ने भी प्रधानमंत्री को वही मीठा खिलाया। और देखिए उसके बाद थोड़ी सी बातचीत भी हुई दोनों के बीच में, कुशल छेम जाना। 100 बरस की हो गई है माहिरा बेन, और उनसे बातचीत करते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से जन्मदिन मनाया ये भी आप देख सकते हैं। तड़के सुबह सबसे पहला काम संभवतः प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और पहुंचे, और सबसे पहले उन्होंने अपने मां के जन्मदिन के मौके पर उनका अभिनंदन किया, उनके पैर पखारे और उन्हें शॉल भेंट की, माला पहनाया, मीठा खिलाया और थोड़ी सी बातचीत की। तो देखिए इन तस्वीरों को, और बेहद खास तस्वीरें हैं, और एक अलग तरीके से जन्मदिन मनाने की जो परंपरा शायद अब भूल ही जा चुकी है उसको प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। माता पिता के जन्मदिन के मौके पर अक्सर हम देखते हैं केक काटते हैं, और पारंपरिक तरीके से जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है अपने से बड़ों का, खासकर जो देवतुल्य हैं उनके लिए एक अलग नज़ीर पेश करती ये तस्वीरें हैं। पैर पखारने के बाद उनको और उस जल को देखिए पूजा पाठ करती भी तस्वीरें आई हैं। अपने घर के मंदिर में दीप जला करके प्रधानमंत्री ने पूजा की है, और माँ देखिए आरती कर रही हैं। बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं ये, जहाँ घर पे पहुँचने के बाद घर के दीपक, कुलदीपक कहते हैं, जब माँ ने भी सोचा होगा कि एक कुलदीपक उनके पास आएगा, लेकिन वो कुलदीपक पूरी दुनिया में इस तरीके से रोशन होगा शायद उस वक्त ना सोचा हो। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर तोहफा कैसे दिया जाता है।